सन 1982 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में बने एक घर के नीचे जब एक लड़का खुदाई कर रहा था, क्योंकि उनका एक प्लम्बिंग पाइप टूटकर लीक कर रहा था, और जैसे उसने उस पाइप को निकालना स्टार्ट किया, खोदना स्टार्ट किया, और उस खुदाई में उसको वहां पर 4 कांच के डब्बे बंद मिले, और उन डब्बों के अंदर क्या था और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ, यकीन मानिए ये आपको जानना चाहिए। जी हाँ, आज की जो कहानी है वो सबसे हटकर है। मैंने आपको क्राइम की बहुत सारी कहानियां बताई हैं, हॉन्टिंग कहानियां भी बहुत सारी सुनाई हैं, लेकिन आज की सबसे हटकर है। और सच में मैं आपको इसके लिए वॉर्न भी करूंगा कि आप प्लीज कभी इस चीज को ट्राई खुद से ना ही करें तो सही है। क्यों? क्योंकि यहां सीधे तौर पर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि यहां इस लड़के ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस कहानी को समझने के लिए हमें अमेरिका के ओक्लाहोमा में जाना होगा, और समय था सन 1982 का, और इसी जगह पर एक डैरन ईव्स नाम का लड़का स्कूलिंग कर रहा था अपनी, और इसी स्कूल में रहते हुए जो एक आम बच्चे के शौक होते हैं वो स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, लड़कियों के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप्स रही हैं, अलग अलग रिलेशंस उसके रहे हैं, और एक रिलेशन यहाँ ब्रैंडी नाम की लड़की के साथ भी था। अब ये ब्रैंडी और डैरन दोनों सारा दिन स्कूल में एक साथ रहते, स्कूल से बाहर जब छुट्टी होती तो भी ये दोनों अपना सारा टाइम एक साथ ही स्पेंड कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते, दोनों इंडिपेंडेंट रह रहे थे, तो कभी वो इसके फ्लैट पे, कभी ये उसके फ्लैट पे, ऐसा ही चल रहा था। और सन 1982 में यहाँ ब्रैंडी के घर पर जो एक टुंटी लगी हुई थी, और वो टुंटी का पाइप बाहर से लीक कर रहा था, तो डैरन ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इस पाइप को बदल दूं और नया पाइप यहां लगा दूं। तो उसने साइड में जाकर घर की जो नींव थी वहां पर खुदाई करनी स्टार्ट करी, और यही खुदाई करते हुए उसके सामने एक ओइजा बोर्ड, आपको पता ही होगा कि ओइजा बोर्ड क्या होता है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म इसे हम कह सकते हैं जिससे हम बाहरी शक्तियों से बातें करते हैं। और जैसे ही यहाँ डैरन ने उस खुदाई में उस ओइजा बोर्ड को देखा तो वो बहुत ज्यादा मैला हो चुका था, उसके सारे कोने जो थे वो गल सड़ चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ उसका पूरा स्ट्रक्चर उसे समझ आ रहा था, और वो देखते ही समझ चुका था कि ये तो ओइजा बोर्ड है। लेकिन यहाँ सिर्फ ओइजा बोर्ड ही नहीं मिला था, वो ओइजा बोर्ड उस मिट्टी के अंदर प्लेन दबा हुआ था, मतलब कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, वो प्लेन यहाँ नीचे रखा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से मिट्टी डाली हो। और साथ ही यहां पर उस ईजा बोर्ड के चारों कोनों पर 4 डब्बे थे कंच के, और उन कंच के डब्बों को जब उसने एक एक करके बाहर निकाला, उस ईजा बोर्ड को बाहर निकाला, तो वो भी यहाँ हैरान कि ये चीज उसे क्या मिल गई है। तो वो तुरंत घर के अंदर गया, ब्रैंडी को बाहर बुलाया और कहा कि देखो मुझे बाहर क्या मिला है। दोनों ने मिलकर ईजा बोर्ड को देखना स्टार्ट किया। पीछे से वो बिल्कुल ब्लैक रंग का था, आगे से उसके ऊपर बहुत सारे अक्षर लिखे हुए थे, नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे, और साथ ही यहाँ पर वो 4 डब्बे। जब उन्होंने उन 4 डब्बों को खोल कर देखा तो वो भी हैरान, क्यों? क्योंकि यहाँ उन्हीं चारों डब्बों के अंदर एक एक अस्थि पिंजर मौजूद था, और जब उन्होंने उस अस्थि पिंजर को बाहर निकाल कर देखा तो वो अस्थि पिंजर अभी भी गीला था। ये नहीं पता कि वो अस्थि पिंजर यहाँ कितने सालों से, कितने दशकों से, या फिर मैं कहूँ सदियों से उस जमीन में दबा हुआ था, उस कंच के डब्बे में डालकर, लेकिन वो अभी भी गीला था और ऐसा लग रहा था जैसे ये उसका खून ही हो, लेकिन वो खून अब काला हो चुका था। और जब उन्होंने उसको थोड़ी और गौर से देखा तो उनको लगा कि शायद ये अस्थि पिंजर या फिर कंकाल चारों डब्बों में ही किसी पक्षी का है। ये सारा तामझाम उठाकर ये जोड़ा अपने घर के अंदर गया, उन्होंने जार्स को तो वैसे ही बंद करके अपनी एक अलग साइड में रख दिया घर के ही। अब उनका मेन काम था उस ओइजा बोर्ड को संभालना और उसको देखना कि आखिर ये बीमारी क्या है। उन्होंने उस ओइजा बोर्ड को अपने टेबल पर रखा, और जैसे यहाँ डैरन ने उस ओइजा बोर्ड के अक्षरों के ऊपर अपनी उंगली को घुमाना स्टार्ट किया तो उसे यहाँ बहुत अजीब सी फीलिंग आई। उसको यहाँ महसूस हुआ कि वो कहीं और ही जा रहा है, और यकीन मानिए अब इस ओइजा बोर्ड के मिलने के बाद से ही इन दोनों की ही जिंदगी बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर बनने वाली थी। अब जैसे उसको वो महसूस हो रहा था तो उसने तुरंत अपनी उंगली हटा ली और वो कनेक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया। ये इस पूरे तामझाम को उठाकर ब्रैंडी की माँ के पास गए, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे घर के नीचे ये चीज़ मिली है, लेकिन ब्रैंडी की माँ को भी ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ अब डैरन के मन में एक बहुत ही अजीब सी इच्छा जाग चुकी थी इस चीज को अच्छी तरह से खंगालने की, और इसका इस्तेमाल करने के लिए उसने सबसे पहले अपने ही रोल मॉडल ACDC बैंड के जो पॉपुलर मेंबर्स थे उनसे बात करने की कोशिश करी। डैरन को ये तो पता था कि हम इस ईजा बोर्ड से बाहरी शक्तियों से बात कर सकते हैं, उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, जो इस दुनिया से जा चुका है हम उनसे कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। उसने ब्रैंडी को बताया कि हम इस ईजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि आखिर इससे क्या होता है, और हम सबसे पहले ट्राई करेंगे उस बैंड के सिंगर से बात करने की, जो कि ऑब्वियसली मर चुका था। इन दोनों ने अपने घर के कमरे में पूरा तामझाम बना लिया, लाइट्स ऑफ कर ली,
मोमबत्तियां वगैरह जलाई, इसके कोनों पर रखी और इस उइजा बोर्ड को बीच में रखा। इस उइजा बोर्ड के साथ ही खुदाई में उस टाइम पर इनको इसका प्लेन शॉट भी मिला था। अब आप कहेंगे कि प्लेन शॉट क्या होता है? असल में जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं और उसके ऊपर हमें स्ट्राइकर होता है जिसके साथ हम गोटियों को मारते हैं, वैसे ही यहां इस उइजा बोर्ड का भी एक प्लेन शॉट होता है जिसको हम स्ट्राइकर भी कह सकते हैं आम भाषा में। मैं आपको स्ट्राइकर ही कहूंगा क्योंकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। तो स्ट्राइकर को जैसे ही वो इस वीजा बोर्ड के ऊपर घुमाते हैं तो वो स्ट्राइकर ही यहाँ बाहरी शक्तियों का मैसेज जो होता है वो इस वीजा बोर्ड के ऊपर छपे हुए लेटर्स के ऊपर बार बार इधर उधर डोलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है और पूरी एक फ्रेज बनाता है, पूरी एक लाइन बनाता है कि आखिर में बाहरी शक्तियां इनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था इनको कोशिश करते हुए कि कोई ना कोई शक्ति तो उनसे जरूर बात करेगी यहां पर, और आधे घंटे तक असफल रहने के बाद इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी और ये पूरा पैकअप अब अपना करने ही वाले थे। लेकिन तभी उनके उइजा बोर्ड के ऊपर रखा वो प्लेन शेड यानी कि स्ट्राइकर उसने हिलना स्टार्ट किया, वो अपने आप हिलने लगा और बार बार जो उसके ऊपर ABCD लिखी हुई थी पूरी, उसमें से जेड और ओ के ऊपर बार बार आने लगा। वो पहले जेड के ऊपर जाता, फिर ओ के ऊपर आता, फिर वापस जेड के ऊपर आता, फिर वापस ओ के ऊपर आता, मतलब वो स्पेल करना चाह रहा था जोजो। डैरन और ब्रैंडी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जोजो आखिर है क्या, ये बार बार ये स्ट्राइकर इसके ऊपर ही क्यों आया जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस सेशन को गुड बाय करते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये जोजो है क्या। और जैसे ही वो इस सेशन को क्लोज करने के लिए उसे गुड बाय कहने वाले थे तभी ये स्ट्राइकर फिर से हिलने डुलने लगा और अब की बार उसने जो लाइन बनाई हिल हिल कर, जो वर्ड्स बनाए वो थे सी यू इन द हेल। अब ये चीज देखते ही डैरन और ब्रैंडी दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत उस वीजा बोर्ड को पैक किया, प्लेन शर्ट को अंदर डाला और वापस अपने उस कमरे से बाहर आ गए। लेकिन ये तो जस्ट अभी एक शुरुआत थी, अभी तो इनके साथ बहुत, या मैं कहूँ बहुत ही कुछ भयंकर होने वाला था। ब्रैंडी को ज्यादा नहीं लेकिन डैरन को तो बहुत ही ज्यादा। रातों को सोते टाइम आवाजें सुनाई दे रही थी, उसको लग रहा था जैसे जिस बेड पर वो सो रहा है उस बेड के नीचे कोई है और नीचे से ठक 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 मार रहा है। उसको बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई रात के टाइम पर उसकी छाती के ऊपर आकर बैठ गया है और उसको वो सांस लेने में भी दिक्कत दे रहा है। उसको दिख रहा था सामने कोई है जो दीवारों के ऊपर अपने हाथों को मंडरा रहा है। डैरन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर उसके साथ क्यों हो रहा है। वो तो तस्वीर जानना चाह रहा था कि ये वीजा बोर्ड जो उसे मिला है ये भसड़ आखिर है किसकी, लेकिन ये तो उसकी ही जिंदगी में अब बत्ती लगाने वाला था। तो यहां डैरन ने सोचा कि क्यों ना मैं इन सब सवालों का जवाब उस वीजा बोर्ड से ही पूछूं। उसने फिर से यहां अपने सेशंस लगाने स्टार्ट किए और इन सेशंस के दौरान यकीन मानिए उसे अपने कमरे के अंदर पूरी तरह से नर्क दिखाई देता। उसने खुद ने यहाँ पर आकर सामने कहा कि उसको यहाँ पूरे कमरे के अंदर अजीब अजीब साए दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सामने खड़ा है, लेकिन वो जब उसको पकड़ने के लिए जाता तो वहाँ पर सिर्फ हवा ही होती, ऐसा कुछ नहीं था जिसको वो छू सकता था। लेकिन उसको यहाँ आवाज़ें आ रही थी, उसको यहाँ हवा तेज से चलने की आवाज़ें आ रही थी, उसका रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था जबकि बाहर रूह कपा देने वाली गर्मी थी। डैरन हर सेशन के बाद उस सेशन करने वाले शक्ति के साथ प्रॉमिस करता कि वो अगला सेशन अब नहीं करेगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन उसने कहा कि यहाँ उसको अंदर से ही आवाजें आ रही थी कि वो दोबारा इसके सेशंस करे और वो ये लगातार सेशंस करता ही गया। और इसके बाद तो यहाँ हद ही हो गई। वो जो उइजा बोर्ड जिसका वो इस्तेमाल करता था सेशंस के बाद, वो उसे उठाकर पैक करके अपने घर की अलमारी में ही रख दिया करता था, लेकिन जब उसे दोबारा सेशंस करने होते थे वो उइजा बोर्ड वहां पर मिलता ही नहीं। जी हाँ, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता और वो उइजा बोर्ड कई कई दिनों के लिए उस अलमारी से गायब हो जाता। उसने खुद यहाँ कहा कि पहले उइजा बोर्ड को वो इस्तेमाल करना चाहता था तो वो खुद अपनी मर्जी से करता था, लेकिन अब वो जो शक्तियाँ थी जब वो ही चाहेंगी तभी यहाँ पर डैरन उस उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करके उन शक्तियों से बात कर पा रहा था। यहाँ जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं ये पिक्चर्स और किसी ने नहीं बल्कि डैरन ने खुद अपने कैमरा से क्लिक करी थी और ये तब की पिक्चर्स हैं जब वो सेशंस करते टाइम अपने कमरे में बैठा होता था और उसको सामने की तरफ अजीब अजीब रंग के धुएं दिखाई देते थे, कोई साया जब बहुत स्पीड में इधर से उधर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ डैरन उस सेशंस के अंदर इतना ज्यादा डीप डाइव कर रहा था कि वो सेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अपनी इस चीज को वो कई बार ब्रैंडी के साथ भी डिस्कस करता लेकिन ब्रैंडी को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक और लड़का था जिसको इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और वो था डैरन का बहुत ही अच्छा रैंडी। और ये रैंडी खुद भी ACDC बैंड का बहुत बड़ा फैन था और जब यहाँ डैरन ने आकर रैंडी को बताया कि उसने ऐसे ऐसे ACDC बैंड के मेंबर से बात करने की कोशिश करी थी उस इजा बोर्ड के थ्रू और यहाँ उसके साथ अब ये सब कुछ हो रहा है, रैंडी ने इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। वो रातों को एक दूसरे के साथ बैठकर इस चीज के साथ डिस्कस करते और
सोचते कि आगे वो इसके साथ और क्या कर सकते हैं। खैर अब यहाँ धीरे धीरे टाइम बीत रहा था तो यहाँ डेरेन ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन यहाँ अपनी नौकरी पर ही एक अलग जगह पर खुदाई के दौरान जब वो वहां पर मैनेजर था, वो देख रहा था कि सब कुछ काम परफेक्टली हो रहा है या नहीं, और तभी जेसीबी के पंजे में उसको उसी तरह के जार्स फिर से दिखाई दिए जो काफी टाइम पहले उसको अपनी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे मिले थे। और जब उसने वो देखा कि पंजे के अंदर ऐसे ऐसे कंच के जार फंसे हुए हैं, उसने जेसीबी को वहीं रुकवा दिया और जाकर सीधा उन जार्स को पकड़ा। उसको पता था कि इसके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन आसपास जो लोग खड़े थे और लेबर खड़ी थी, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना वो एक बार जाकर देखे कि आखिर क्या मिला है। लेकिन डेरेन ने यहाँ सबको रोक दिया कि तुम्हारे काम की चीज नहीं है, अभी तुम इस सबसे दूर रहो। लेकिन डेरेन को अब यहाँ ये विश्वास हो चुका था कि ये जो भी चीज है ये उसके ही पीछे पड़ी हुई है, और ये डायरेक्ट चाह रही है कि वो इनके कॉन्टेक्ट में आए। लेकिन ये जार्स अब यहाँ इस मिट्टी के अंदर क्या कर रहे थे? क्या ये चीज पहले से ही यहाँ दफनाई गई थी, या फिर ये शक्तियों ने बाद में आकर डेरेन के लिए स्पेशल इनको दफनाया? अगर ये चीज थी तो डेरेन के मन में भी ये ख्याल आया कि ये सब कुछ यहाँ आया कैसे। सन 1985 का टाइम आ चुका था, और 1985 के अक्टूबर महीने में यहाँ रैंडी और डेरेन खुद अपने एक घर के अंदर बैठे हुए थे रात के टाइम, और दोनों डिस्कस ही कर रहे थे कि वो आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक बार और इज़ा बोर्ड के साथ एक सेशन लगाएं। उन्होंने कमरे के अंदर लाइट को डिम किया और वहां कैंडल्स वगैरह जलाकर अब उस इज़ा बोर्ड को लेकर अपना तामझाम वहां सेट करके बैठ चुके थे। यहाँ रैंडी से पूछा डेरेन ने कि तुम किससे बात करना चाहते हो? मैं तो यहाँ पहले ही अलग अलग शक्तियों से बात कर चुका हूँ। तो रैंडी ने कहा यहाँ पर मैं भी यहाँ ACDC बैंड के जो मेन मेंबर था बॉन स्कॉट, उससे बात करना चाहता हूँ। वो मेरा आइडियल है और मैं बिल्कुल उसके जैसा ही बनना चाहता हूँ। तो यहाँ उइजा बोर्ड पर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली बोल बोल कर कि वो ACDC बैंड के मेंबर बॉन स्कॉट से बात करना चाहते हैं। पहले वो प्लेन शर्ट जो था वो स्ट्राइकर था वो नहीं हिला, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने हिलना स्टार्ट किया। लेकिन अब की बार वो जेड और ओ के ऊपर जाने के बजाय AYAMATE आई मेट के ऊपर बार बार जा रहा था। वो बार बार आई मेट नाम का एक वर्ड बनाया जा रहा था, और ये आई मेट को देखते ही उनको समझ आ गया कि ये तो कोई ऑस्ट्रेलियन वर्ड है। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि बॉन स्कॉट खुद भी यहाँ ऑस्ट्रेलियन ही था। उनको समझ आ चुका था कि वो अब अपने आइडियल यानी कि बॉन स्कॉट से ही इस उइजा बोर्ड के थ्रू बात कर रहे हैं। इसी बातचीत के दौरान यहाँ वो शक्ति जो अब इन दोनों लड़कों से बात कर रही थी, उस शक्ति ने यहाँ इन दोनों से एक रिक्वेस्ट करी, और वो थी रिक्वेस्ट सिगरेट के लिए। जी हाँ, वो शक्ति यहाँ बार बार उन्हें कह रही थी कि एक सिगरेट यहाँ मुझे पिला दो। अब ये चीज देखकर इन दोनों के मन में हंसी आने लग गई कि ये चीज क्या बोल रही है, हम कैसे एक शक्ति को जाकर सिगरेट पिला सकते हैं। तो पूछा उन्होंने कि कैसे पिलाएं, तो उसने कहा कि यहाँ जो प्लेन शेड है, जो स्ट्राइकर होता है, उस स्ट्राइकर के बीच में एक छोटा सा होल है, और उस होल के अंदर सिगरेट जलाकर जस्ट रख दो। तो यहाँ उनको लगा कि ये पावर जरूर उनके मजे ले रही है, और उन्होंने मजाक मजाक में ही एक सिगरेट अपने लिए जलाई और एक सिगरेट उस डेमोनिक पावर के लिए जलाकर उस प्लेन शेड यानी कि स्ट्राइकर के बीच में जो होल था, उस होल के ऊपर उसका बट रख दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी, उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति सुट्टा फूंकता है, वैसे ही यहाँ वो प्लेन शेड यानी कि वो शक्ति उस स्ट्राइकर के थ्रू पफ मार रही थी उस सुट्टे के। ये सिगरेट उनकी आंखों के सामने अब वो इज़ा बोर्ड पिए जा रहा था, और वो उसको देखकर हैरान थे। और इस सिगरेट के पूरा होने के बाद उसने यहाँ खुद स्पेल किया उसी इज़ा बोर्ड के ऊपर से कि ये बट को वापस हटा लो। उन्होंने इस बट को वापस हटाया यानी कि फिल्टर को वापस उठा लिया, और अब यहाँ इज़ा बोर्ड का वो जो प्लेन शेड था वो वापस हिलना स्टार्ट हुआ, और अब की बार लिखा आया FU रैंडी, आई विल सी यू इन द हेल। मतलब कि अब ये साफ चेतावनी थी साइड में बैठे हुए रैंडी के लिए, और अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा भी होने वाला था। अब जब ये चीज उन्होंने देखी तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उन दोनों ने उस उइजा बोर्ड और सारे तामझाम को उठाकर बालकनी से बाहर फेंक दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि वो इसको करने के बाद सो भी गए, लेकिन जब वो सुबह उठे तो वो उइजा बोर्ड उनके बेड के साइड में ही पड़ा हुआ था, और वो मोमबत्तियाँ साइड में ही भुजी हुई रखी थी। ये चीज देखकर वो हैरान कि इनको कौन उठाकर लेकर आया है, लेकिन ये आज तक पता नहीं चला। रैंडी जो कि अब उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन उसका अब दिमाग बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा। उसने सीधे तौर पर दारू का सहारा लिया। वो सारा दिन दारू के नशे में भंड रहता, और इसी नशे पतों की वजह से यहाँ उसकी पत्नी के साथ उसका तलाक हो गया। उसके बच्चे यहाँ उससे अलग हो चुके थे, अलग रहने लगे थे। अकेला रैंडी यहाँ सारा दिन दारू पीता और डेरेन से पूछता रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो डेरेन को बताता कि उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी जेल के अंदर बंद है। जब वो सोता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी छाती के ऊपर बैठा है और उसको जकड़ रहा है। वो अपने हाथ पैर कुछ नहीं हिला सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबाना चाह रहा हो। ये चीज सुनकर डेरेन खुद ये बोलने लग गया कि ये चीज पहले मेरे साथ भी हो चुकी है, और मैं खुद इस चीज से आज तक परेशान हूं। रैंडी के मन में चिंता आ चुकी थी कि उसको ऐसा मैसेज क्यों दिया गया,
क्यों उसको ऐसा बोला गया कि वो नर्क में उसे मिलेगा। इस चीज़ का जवाब उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो वीज़ा बोर्ड से ही ले। 2007 में यहाँ डैरन और रैंडी ने एक बार फिर से वो सेशन लगाया और वीज़ा बोर्ड से पूछने लगे कि रैंडी के साथ आखिर होने क्या वाला है और वो नर्क में कैसे जाएगा। जस्ट यहाँ पर एक ही लाइन उस वीज़ा बोर्ड द्वारा बनाई गई और वो थी कि यू विल डाई इन ए कार Alone at night, मतलब उसके साथ गाड़ी में ही कुछ होगा रात के टाइम पर। ये सेशन कंप्लीट करने के बाद तकरीबन रात के 3 बजे रैंडी वहां से निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए। लेकिन यहाँ सुबह सुबह रैंडी की गर्लफ्रेंड का फोन डैरन के पास आया और वो उसे पूछना चाह रही थी कि रैंडी तुम्हारे पास ही है क्या, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। डैरन ने कहा क्या बात कर रही हो, रात को 3 बजे ही वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल चुका था। रैंडी की गर्लफ्रेंड बोली कि नहीं वो तो अभी तक पहुंचा ही नहीं। तो उन्होंने जाकर पुलिस कंप्लेंट करी कि रैंडी रात से गायब है। पुलिस ने जब तलाश करनी स्टार्ट करी तो यहाँ रैंडी की गाड़ी मिली और गाड़ी के अंदर रैंडी खुद भी था, लेकिन वो गाड़ी हाईवे से उतरकर साइड में ही बनी गहरी खाई में जा गिरी थी, गहरे नाले में जा गिरी थी और रैंडी उसके अंदर ही दबकर मर चुका था। अपने ही सबसे अच्छे दोस्त रैंडी के साथ ये सब होता देख डैरन बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन उसके मन में अभी सवाल बहुत सारे थे। वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इस अनजान सी शक्ति जिसका नाम जोजो था, वो इससे सवालों के जवाब जानना चाह रहा था कि आखिर यहाँ वो कौन है और डैरन के साथ क्या हुआ है, उसने क्या किया है। वो अब अकेला यहाँ पर बहुत सारे वीज़ा बोर्ड्स को लेकर रातों को सेशंस करने लगा। अब उसने अपनी पूरी जिंदगी अब इस वीज़ा बोर्ड के नाम ही कर दी थी। उसका बस मकसद यही बन चुका था कि उसको पता लगाना है आखिर ये जोजो है क्या और ये एंटिटी उसके साथ क्या कर रही है और उससे जुड़े हुए लोगों को वो ऐसे क्यों मार रही है। डैरन की यहाँ पर शादी हो चुकी थी। ओक्लाहोमा के इस घर में जो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये नया घर उन्होंने लिया और अब इस घर के अंदर वो अपनी पत्नी कैथरीन के साथ शिफ्ट हो चुका था। कुछ टाइम बाद यहाँ उनकी एक बेटी भी हो गई और अब ये तीनों लोग इस घर के अंदर रह रहे थे। इस घर के अंदर रहते हुए ही डैरन अपनी पत्नी के साथ काफ़ी बार वीज़ा बोर्ड्स को लेकर सेशंस लगाता। उसकी पत्नी को भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये घर अब उनके लिए एक नाइटमेयर या फिर मैं कहूँ एक बुरा सपना बनने वाला था। एक रात यहाँ इस घर के अंदर ही वो दोनों सेशन लगा रहे थे। कैथरीन अपने पति डैरन को देख रही थी सेशन के दौरान और तभी यहाँ उसने देखा कि डैरन की आंखों का रंग बदल चुका है और डैरन धीरे 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 कर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। और तभी कैथरीन ने उस सेशन को गुड बाय कर दिया और रोक दिया उस सेशन को वहीं पर। और जैसे ही उसने गुड बाय किया, डैरन अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुका था। उसके याद ही नहीं था कि उसके साथ अभी हुआ क्या है और उसकी आंखों का रंग इस तरह से क्यों बदल गया था। कैथरीन उसे समझा रही है कि तुम मुझे ही मारने के लिए आ रहे थे मेरे पास। इसी सेशन के बाद यहाँ इस घर के अंदर से उनको बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। कभी उनको नोक नोक की आवाज़ें आती, कभी उनको ऐसा लगता जैसे उनके घर की दीवारों को कोई हथौड़ों से तोड़ रहा है। और जब वो उस जगह पर जाकर देखते जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, वो आवाज़ वहाँ से पलटकर कहीं और जा चुकी थी। सब कुछ ओके था लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और इस चीज़ से इस घर के अंदर रहने वाले तीनों लोग इतने ज़्यादा डर गए कि उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले कमरे में एक अलग से सेक्शन बना लिया। बहुत मोटी मोटी दीवारें उन्होंने उस कमरे की बना ली और इस कमरे को उन्होंने नाम दिया सेफ रूम। उनका मानना था कि जब भी उनको ऐसा लगेगा कि उनकी जान खतरे में आ चुकी है इस घर में रहते हुए, तो वो तीनों सीधा भाग कर उस सेफ रूम में चले जाएंगे और खुद को उस कमरे में बंद कर लेंगे और हो सकता है हम इस कमरे में रहते हुए बच जाएं, वो जो शक्तियाँ हैं वो इतनी मोटी दीवारों को पार ना कर पाएं। और एक रात ऐसी ही आई सन 2007 में, जब यहाँ डैरन तो अकेला उस सेफ रूम में सो रहा था जबकि उसकी पत्नी और उसकी बेटी नीचे अलग कमरे में सो रहे थे। और तभी यहाँ डैरन को वही आवाज़ें फिर से सुनाई दी। उसको लगा कि शायद हो सकता है उसकी पत्नी और बेटी जो नीचे सो रही हैं उनकी जान खतरे में है और उसको जाकर यहाँ से अपनी पत्नी और बेटी को ऊपर इस सेफ रूम के अंदर लेकर आना चाहिए। तो वो सीधा चिल्लाता हुआ नीचे की तरफ आया और इसकी चिल्लाहट सुनकर उसकी पत्नी और बेटी की भी नींद खुल गई। वो बाहर आए और सीढ़ियों के पास गए कि डैरन को आखिर हुआ क्या है। लेकिन डैरन जब नीचे उतर रहा था तो उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने देखा कि डैरन हवा में नीचे उतरते हुए आ रहा है और पीछे से कोई बहुत बड़े साए जैसे हाथ हैं जिन्होंने डैरन को उठाया हुआ है और वही उसको नीचे लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ देखकर कैथरीन और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा डर गई। उन्होंने डैरन को संभाला। डैरन कह रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तो तुम्हें ही बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ कैथरीन बोली, तुम हमें बचाने के लिए तो आए हो पर तुमको ये नहीं पता कि तुम आए कैसे हो। उसकी आंखों का रंग जब वो हवा में था वो पूरा लाल हो चुका था। खैर, अब यहाँ डैरन ने कहा कि ठीक है तुम मेरे साथ ऊपर चलो और तीनों आज रात हमारे सेफ रूम में ही सोएंगे। ऊपर तीनों जाकर सेफ रूम में लेट चुके थे लेकिन उनको अपने घर के निचले हिस्से से बहुत तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर का सारा फर्नीचर कोई तोड़ रहा है और बहुत जोर जोर से आवाज़ें कर रहा है। फाइनली इस चीज़ का पता लगाने के लिए डैरन ने एक बार फिर से सेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए और इन सेशंस में
वही बार बार जो उनका प्लेन शॉट था यानी कि स्ट्राइकर जो था उस वीजा बोर्ड के ऊपर एक ही शब्द बनाता, जोजो, जेड ओ जेड ओ। अब डेरन का यहाँ पर एकमात्र मकसद बन चुका था जिंदगी का कि जोजो का पता लगाना है, बाकी सब कुछ बाद में देखूंगा, पहले यही देख लेते हैं कि आखिर ये जोजो है क्या, क्या इसकी कहानी है, क्या इसकी हिस्ट्री है। लेकिन अब उसकी पत्नी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी और उसने डेरन को समझा दिया था कि तुम अब ये सब कुछ और ज्यादा नहीं करोगे, हमें जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। डेरन ने एक बार उसकी बात तो सुन ली लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा कि क्यों ना हम इस घर को बदल दें और कहीं और जाकर रहने लगे। कैथलीन ने कहा कि ठीक बात है, हम इस घर को बेच देते हैं। लेकिन यहाँ डेरन ने उस घर को बेचा नहीं, पास में ही एक और घर लिया और उस घर के अंदर जाकर रहने लगे। अब यहाँ पर डेरन को लग रहा था उसकी फैमिली सेफ हो चुकी है, अब वो डायरेक्ट जाकर अपनी जान को रिस्क में डालकर जोजो का पता लगा सकता है। सन 2007 से लेकर 2009 तक पूरे 2 सालों में डेरन ने अपना पूरा जोर लगाया इस जोजो का पता लगाने के लिए और उसको जो जो मिला उसने यहां पर अपने ही वेबसाइट में अपडेट भी किया। अब मैं आपको यहां से बता दूं कि ये जो जोजो नाम की एंटिटी है या फिर ये डेमोनिक पावर है, इसका इतिहास बहुत बहुत लंबा है। आप कहेंगे कि दशकों लंबा होगा, सेंचुरी लंबा हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं कहता हूं हजारों सालों पुराना है और ये बात खुद डेरन ने अपनी वेबसाइट में लिस्ट करी है। तो डेरन के मुताबिक असल में जोजो कुछ और नहीं बल्कि काले पक्षियों को कहा जाता था। हेती नाम का कबीला जो पहले इस दुनिया में कहीं रहा करता था, वो असल में काले पक्षियों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ाया करते थे अपने भगवान के लिए। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं था, इसका इतिहास बहुत बहुत ज्यादा डरावना है। जब वो उन काले पक्षियों को मार डालते थे, उसके बाद उनकी जो बचा हुआ चमड़ा होता था, बची हुई खाल वगैरह थी, उन 80 पिंजरों से वो एक मास्क बनाते थे और जब उनके कबीलों में किसी इंसान की डेथ होती थी तब वो उस मरे हुए इंसान के बराबर में घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे और वो उस मास्क को पहन लेते थे। और उनका मानना था यहाँ पर कि मरे हुए इंसान के अंदर से जो शक्तियां बाहर निकलने वाली हैं, अब उन शक्तियों को ये मास्क ही अपने अंदर समेट सकता है और इन शक्तियों को समेटना बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि वो इसे और ज्यादा मजबूत बन जाएंगे और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो ये सब काम वो कर रहे थे यहाँ पर। मालय भाषा में जोजो का मतलब होता है स्पिरिट, एक घूमती हुई शक्ति। और इस चीज को जब मैंने डीप डाइव किया तो मुझे पता चला कि ये जो डेमोनिक पावर है ये सोते हुए लोगों की शक्तियों को अपने अंदर खींच लेती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स कह रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर डीप डाइव किया है, तो मैंने जस्ट उनका जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर किया है। सो प्लीज इस चीज को ये मत मान लेना कि मैंने कह दिया तो बिल्कुल सच है या फिर मैंने कह दिया तो झूठ है। मैंने जस्ट वो बताया है जो मुझे इंटरनेट पर जानकारी मिली आप सबके लिए। डेरन ने तकरीबन अपनी जिंदगी के 40 साल लगाए इन शक्तियों का पता करने के लिए और खासतौर पर जोजो की। जोजो के पीछे वो इतने बुरे तरीके से पड़ चुका था कि जोजो अब उसके दिल दिमाग और जिंदगी में बस चुकी थी। यहाँ डेरन ने बताया कि जोजो को दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जोजो, जुजू, जाजा और मामा। और ये जो जुजू वर्ड है इससे मिलता जुलता वर्ड आपने पहले भी जरूर सुना होगा, पजुजू। जी हाँ, वही द एग्जॉर्सिस्ट मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर आपने पजुजू वर्ड जरूर सुना होगा, ये एग्जॉर्सिस्ट का नाम था। और ये जो एग्जॉर्सिस्ट मूवी है ये बिल्कुल रियल इवेंट्स के ऊपर बनाई गई है, मतलब यहाँ दुनिया पहले से ही जुजू, पजुजू, जाजा, मामा के बारे में जान चुकी है लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। डेरन ने बताया कि अगर आप वीजा बोर्ड को लेकर किसी से भी बात करने की कोशिश करोगे तो सबसे इजी तरीका होता है जोजो से बात करने का। जोजो ही है जो सबसे पहले आपको बात करने के लिए इन्वाइट करेगी और आपको कहेगी कि हाँ आओ मुझसे बातें करो, लेकिन बाद में ये एंटिटी बहुत बहुत ज्यादा भयानक रूप लेकर आपके ऊपर ही टूट पड़ती है। डेरन के एक्सपीरियंस के मुताबिक उसने कहा कि जब वो ओइजा बोर्ड के सेशंस लेता है तो उसको जोजो के नाम पर एक सामने फिगर बनी हुई दिखाई देती है और ये फिगर ऐसी है जैसे एक डॉग के सिर के ऊपर हॉर्न्स लगे हुए हैं, सींग आ चुके हैं और उसके पीछे 2 पंखों का जोड़ा है और साथ ही उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ज्यादा अजीब रूप से मुड़ी हुई हैं और ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है जैसे अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। मैंने आपको बहुत सारे लोगों के एक्सोरसिज्म की कहानियां सुनाई हैं और उन कहानियों के अंदर जब मैंने दोबारा से डीप डाइव करी तो मुझे पता चला कि जो जो शक्तियां उनके शरीर में बसी हुई थी उनके अंदर जोजो भी शामिल था। जैसे कि सन 1816 में इंग्लैंड की एक लड़की का एक्सोरसिज्म किया गया था और उसकी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति का नाम ही जोजो था। डेरन के मुताबिक ये जो डेमोनिक पावर जोजो है ये सिर्फ एक इंसानी शरीर के कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, वो जो चाहती है वो वही करेगा। पहले ये जोजो उसके कंट्रोल में होती है और ये बाद में व्यक्ति जोजो के कंट्रोल में आ जाता है। डेरन ने यहां खुद कहा कि मैंने जो अपनी जिंदगी इसके लिए लगाई है, मैं नहीं चाहता कि कोई और व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों में पड़कर खराब कर दे। लेकिन उसने फिर भी थोड़े बहुत साइंस दिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो क्या फील कर सकते हैं। सबसे पहले वो जो वीजा बोर्ड का जो प्लेन शेड होता है वो कुछ टाइम बाद हिलना स्टार्ट होगा जब आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे कि नहीं ये सेशन तो खराब हो चुका है, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं।
और जैसे ही आप ये पैकअप करने की तैयारी में होंगे तभी वो प्लेन शॉट हिलना स्टार्ट होगा और वो सीधा पहले जाएगा जेड के ऊपर, फिर जाएगा ओ के ऊपर और बार 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 वो जेड और ओ से बीच में ही हिलता रहेगा। इसको डैरन ने रेनबो इफेक्ट का भी नाम दिया। और जैसे ही वो प्लेन शॉट हिलना स्टार्ट होगा तभी यहाँ इंसान जो उस सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके सामने बहुत तेज हवाएं ऐसे उसे दिखने लगेंगी कि पास से कोई गुजर रहा है। उसको आवाजें सुनाई देंगी, उसको चिल्लाहटें सुनाई देंगी और वो खुद उसके मन में बहुत ज्यादा डर बैठा देंगी। डैरन ने बहुत कोशिश करी लेकिन यहाँ डैरन को अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि रैंडी की मौत के पीछे क्या कारण थे। उसकी भी जब उसने लाश देखी थी रैंडी की तो उसकी लाश के ऊपर यहाँ गले पर ही एक मार्क था और इसके अलावा कुछ नहीं था। उसकी बेशक गाड़ी डूब चुकी थी लेकिन जब उसकी ऑटोप्सी की गई थी तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि यहाँ रैंडी की मौत डूबने से नहीं हुई है, इसकी मौत के पीछे अननोन कारण मौजूद है। उसके शरीर में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी के ऊपर शक किया जा सके। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जस्ट उसकी गाड़ी इम्बैलेंस होकर उस नाले के अंदर जा गिरी थी। डैरन ने यहाँ साफ तौर पर दुनिया के सामने क्लियर किया है कि कोई भी इन चीज़ों से पंगा ना ले तो ही सही रहेगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में हमेशा इच्छा रहती है कि वो जाकर खुद इस चीज़ को महसूस करें। लेकिन मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी लाइफ को कभी रिस्क में ना डालें क्योंकि ये चीज़ संभालनी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, या फिर मैं कहूँ नामुमकिन है, क्योंकि जिन्होंने भी पंगा लिया है वो बाद में पछताते ही हैं। ये कहानी थी जोजो हाउस की, जोजो एंटिटी की, या फिर आप इसे जो मर्जी कह सकते हैं। इसका इतिहास बहुत लंबा है, इससे जुड़ी हुई बातें आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मिल जाएंगी। लोग अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हुए दिखेंगे कि उनके साथ जोजो ने ये किया, उनके साथ जोजो ने ये किया। हो सकता है बहुत सारे इसमें फेक भी हों, लेकिन हाँ डैरन वाला जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया है अभी पूरा, ये बिल्कुल रियल था। उसने इसकी फुटेजेस, इसकी इमेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ दुनिया को दिखाई। वो जब करता है तो उस चीज़ को पूरा रिकॉर्ड करता है और आप जाकर इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करके देख भी सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि ऐसी डेमोनिक पावर्स या फिर नेगेटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जीज इस दुनिया में हैं? क्या हम इस दुनिया में अकेले ही हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे वो बताएं, अगर नहीं लगता तो भी आप अपने एक्सपीरियंस अब मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर आकर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सोली सिटी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।